देखिए, अहम मुद्दे तो ये हैं कि सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है चांदीवली के अंदर कि आप देखोगे तो सफाई को लेकर के इतने ज़्यादा परेशान हैं हम लोग कि आप किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, आपको कचरे का ढेर मिलेगा ही मिलेगा। सरकार इतने पैसे खर्चे कर रही है कि साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए, मच्छर जहाँ देखो वहाँ डेंगू मलेरिया, इससे लोग प्रभावित हैं। आप किसी भी गली की सड़कों पर चले जाइए, आपको गड्ढे मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज देखते हो यहाँ गड्ढे हैं, वहाँ हर जगह गड्ढे आपको मिलेंगे। नालियों की हालत ऐसी है कि आप सफाई आप खुद जा करके देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर हालात हैं। जनता इतनी परेशान है कि आए दिन धार्मिक मुद्दों को लेकर के कुछ ना कुछ लोग वाद विवाद करते हैं। खैर, वहाँ के लोग अच्छे हैं, चांदीवली के आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन हम अगर यहाँ पर हम लोग जीत करके आते हैं, हम खुद निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अगर जीत करके आते हैं तो हमारे मुद्दे हैं कि बेसिकली जितने भी धार्मिक स्थल हैं हम लोग बेसिकली उसके ऊपर जो है तो एक ऐसा टीम बनाएंगे कि जो सर्वे करेगी और उन लोगों के ऊपर एक हम लोग अच्छी सी टीम बना करके उसका देख रेख करने का काम करेंगे। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे यहाँ पे चांदीवली में, हर वार्ड के अंदर, उसके अंदर हम लोग पानी और बिजली की सुविधा जो है तो मुफ्त में हम लोग अपने तरह से अपनी प्लानिंग करके उसको कराएंगे। और जहाँ पर भी हो सके हम लोग जन कल्याण केंद्र खोलने के लिए सोचेंगे। हॉस्पिटल की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है हमारे यहाँ पे कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो सिवाय साइन राजावाड़ी या बाबा के हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है। एक गरीब आदमी, छोटा आदमी जो होता है, अगर वो अपने बच्चे को लेकर के कहीं पढ़ाने के लिए जाता है तो इतनी मोटी मोटी डोनेशंस होती हैं कि वो हमारे चांदीवली के लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। बड़े लोगों के पास है, वो माइकल वगैरह में, कार्तिका में बाहर जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो सेंट जूड है और बहुत से क्लासेस वगैरह हैं, बट फिर भी मेरी जानकारी यहाँ तक कि पढ़ाई को लेकर के प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे यहाँ पर हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोगों से कितने सालों से जुड़े हैं और उनकी परेशानियों को कितना समझ रहे हैं? देखिए, मेरा तो जन्मस्थल ही मुंबई है और मैं पिछले 40 साल से, समझ जाइए, मैं अपने क्षेत्र में ही हूँ और 15 साल से लगभग मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे यहाँ जो भी सामाजिक सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, एक ही धर्म के नहीं, हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं। लोग वहाँ ताज़िया वगैरह भी बनाते हैं, गणपति होती है, देवी होती है। बहुत से मंडलों में मैं संस्थापक भी हूँ, संयोजक हूँ। इन सब चीज़ों के अंदर धार्मिक कार्य में हम लोगों का एक अच्छा योगदान होता है और सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर भी जैसे छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स लगाना, लोगों के लिए बीमारी वगैरह है तो किसी के लिए दवा वगैरह कराना, ये सारी चीज़ों पर हम लोग काम करते रहते हैं। और पिछले 15 साल से सोशल वर्क हम लोग पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं।